नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। जोधपुर रेल मंडल के उपनगरीय रेलवे स्टेशन राई का बाग पैलेस जंक्शन के नाम को लेकर राई का देवासी समाज आंदोलन करने जा रहा है। इसमें भाग लेने हजारों की संख्या में समाज के लोग पूरे देश से आ रहे हैं। समाज के लाल सिंह रायका ने प्रेस वार्ता में बताया कि रेलवे स्टेशन के नाम सुधारने के लिए राज्य सरकार की अनुशंसा मांगता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि भाजपा का समर्थन करने के बाद भी अब सरकार बनने पर हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। समाज के राजनीतिक प्रतिनिधि की ओर से लगातार पत्र भेजे गए, जिनको सरकार ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया, इसलिए हमने अब आंदोलन करने का तय कर लिया है। समाज का प्रतिनिधित्व सरकार में भी शामिल है, लेकिन उनकी भी सुनवाई नहीं की जा रही है। आंदोलन समिति के अध्यक्ष कपूर रायका ने बताया कि 80% से अधिक लोग भाजपा का समर्थन करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारी अब सुनवाई नहीं हो रही है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, आर पार की लड़ाई होगी। आपको बता दें कि रायका बाग पैलेस का निर्माण सन 1663-64 में महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की हाडी रानी जसरंग ने करवाया था। इसके बाद रेलवे ने यहां स्टेशन का नाम रायका बाग पैलेस जंक्शन रखा था। समाज का दावा है कि धीरे धीरे ये नाम रायका बाग हो गया। समाज की मांग है कि स्टेशन का नाम रायका बाग किया जाए। इसको लेकर रेलवे के अधिकारियों के साथ कई बार वार्ता हुई, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। रेलवे राज्य सरकार या प्रशासन की ओर से अनुशंसा मांग रहा है, जिस पर सुनवाई नहीं हुई। समाज के लोगों ने बताया कि राई यानी सरसों उसका बाग नहीं होता है, उसकी उपज खेतों में होती है। ये जगह रायका समाज से जुड़ी है, इसलिए रेलवे स्टेशन के नाम में संशोधन होना आवश्यक है। से संबंधित है और लास्ट में हम लोग कलेक्ट्रेट के सामने जो हमारा धरना स्थल है वो उसके ऊपर जाएंगे। दूसरी बात, वहाँ पे हमने टेंट वगैरह आज लगवा रहे हैं, तो पूरी तैयारी है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने ये सोच के तैयारी की है कि यदि लंबी लड़ाई चलती है तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। हमने एक दिन की योजना नहीं बनाई है, हमने भी अनिश्चित काल तक योजना बनाई है, इनडेफिनेट। यदि सरकार कोई भी हमारी सुनती नहीं है, इस समस्या का समाधान नहीं करती है, तो हम लोग धरने पे बैठेंगे और जब तक नहीं उठेंगे, फिर मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, आपके माध्यम से सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ, जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हमारा राई का नाम सही नहीं कर दिया जाता। एक और मैं बात बताना चाहता हूँ आपको, ये नाम की गलती रेलवे ने की है, नाम की गलती रेलवे ने की है। 10-15 साल पहले नाम सही था, लेकिन रेलवे ने इसके नाम की गलती की, और रेलवे को यदि राज्य सरकार आदेश देती है तो रेलवे उसको ठीक करेगा। तो हमारी जो डिमांड है वो राज्य सरकार के पास है। मैंने हमारे सारे समाज के लोगों से बात किया, जब सीएम आते हैं समाज की मीटिंग लेते हैं तो बोलते हैं रायका समाज का कोई भी काम होगा तो हम लोग करेंगे, लेकिन पूरा रायका समाज लगा हुआ है, ना सीएम सुन रहा है ना सरकार सुन रही है, बहुत ही दुख की बात है। तो फिर से आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं है हमारे लिए, हमारे लिए नाम का मुद्दा है, भावना का मुद्दा है। दूसरे प्रदेशों से दूसरे समाजों के भी फोन आ रहे हैं कि ये रायका समाज के साथ अन्याय है। हम लोग जो आंदोलन कल शुरू करेंगे, गांधी जी की मूर्ति के सामने से शुरू करेंगे। गांधी जी ने भी अहिंसा और सत्य के ऊपर लड़ाई की थी, हमारा समाज भी सत्य और अहिंसा पर विश्वास करता है। कल का आंदोलन भी हम लोग बिल्कुल शांति प्रिय और अनुशासन के तहत करेंगे, इसलिए क्योंकि ये फैक्ट है, पूरा जोधपुर जानता है, सब लोग जानते हैं कि ये नाम राई का था और राई का है। खुद रेलवे के 80% बोर्ड के ऊपर नाम राई का है, आज भी राई का है, लेकिन ना सरकार टस से मस हो रही है ना रेलवे हो रहा है। कोई बात नहीं है, हमें यदि सरकार एक्शन लेना चाहती ये बता दे कि हम नहीं करेंगे तो दूसरे हमारे समाज के सब लोगों को हर जगह पे जाएंगे, हम लोग हर समाज के जगह पे जाएंगे। कभी ये सोच रहे हैं वो लोग एक दिन करके भाग जाएंगे तो वो गलत फहमी में है। घर घर इस आंदोलन को लेके जाएंगे, घर घर, लेकिन अपना नाम छोड़ेंगे नहीं, ये हमारे सब लोगों का पक्का विश्वास है, दृढ़ विश्वास है। इस बार हम लोग आर पार की लड़ाई करेंगे और नाम लेके ही जाएंगे।
ये हमारा कमिटमेंट। आप राज्य सरकार से मांग कर रहे हो, सरकार में आपका प्रतिनिधि मंत्री भी है, वो क्या कर रहे हैं? मंत्री साहब ने भी लेटर लिखा, रेलवे मिनिस्टर को लेटर लिखा, आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, सीएम को भी लेटर लिखा, वही मैंने बताया। ये बहुत ही दुख की बात है, कोई एक्शन नहीं, न सरकार का एक्शन है ना कोई रेलवे मिनिस्टर का। समाज के मंत्री की सुनवाई नहीं हो रही क्या? कोई भी मिनिस्टर की, बहुत सारे, इवन रतन देवासी गजेंद्र सिंह से मिले, उन्होंने भी वहाँ मिल के लेटर दिया, नो इम्पैक्ट। सब ने, बहुत सारे हमारे दूसरे बाकी पदाधिकारियों ने लेटर लिखे, जगदीश खाराबीरा ने लेटर लिखा, सिया राम जी ने लेटर लिखा, सांवला राम जी ने लेटर लिखा, सुखदेव ने लेटर लिखा, लेकिन हर लेटर सीधा रद्दी की टोकरी में जा रहा, कोई भी इम्पैक्ट नहीं। वी हैव नॉट रिसीव्ड ए सिंगल लेटर फ्रॉम द गवर्नमेंट। ओटाराम जी का वही रुख है जो हमारा है, उनका लेटर आप साफ साफ पढ़ लीजिए, उन्होंने कहा है कि हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति है, इसलिए आप ये नाम सही कर दीजिए, राई और का जो आपने गलत लिखा है उसको सही कीजिए। फिर भी सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की, इट्स अ फनी ओके कि कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं। गोपाल जी आज जोधपुर में है, वो एक दूसरे कार्यक्रम के लिए आए हैं गोपाल जी, लेकिन मैं यही बताना चाहता हूँ, मैं मुद्दे पे बात करना चाह रहा हूँ। इस मुद्दे पे सारे हमारे नेता, सारे हमारे समाज सेवी, बच्चा बच्चा, आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, बच्चा बच्चा इस मुद्दे पे एक है, और सब लोग, हम लोग चाहते हैं कि हमारा नाम का जो विखंडन किया है रेलवे ने, हमारे नाम को जो तोड़ा है वो नाम सही करे। गलती रेलवे की है, गलती रेलवे की है, उस रेलवे ने जो गलती की है, सरकार निर्देश दे और तुरंत इसको ठीक करवाए। लोकसभा चुनाव से पहले भी देवासी समाज से मिले थे भजनलाल, उस समय क्या कुछ बात हुई, इस संबंध में भी बात हुई थी क्या? मेरी डायरेक्ट बात नहीं हुई, लेकिन जो भी हमारे समाज से भी मिले उनसे, जो मीटिंग्स की, उसके माध्यम से जो उन्होंने बात किया कि भाई हम लोग जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, मतलब कॉमन, जैसे वोटिंग टाइम में तो ऐसे ही होता है, जो भी आपकी समाज की प्रॉब्लम होगी वो समाज की प्रॉब्लम हम लोग हल करेंगे, लेकिन इट्स ए वेरी अगेन दुखपूर्ण है कि वोट लेने के बाद, जीतने के बाद सब कुछ, सारे प्रॉमिस भूल गए। ये मुद्दा प्रशासनिक तौर पर उलझा हुआ है या राजनीतिक तौर पर उलझा हुआ है, इसका पूरा बताइए। हाँ, क्योंकि हमें कोई लेटर नहीं मिला है, इसलिए हम लोग ये नहीं बता सकते कि ये प्रशासनिक तौर पर है, राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन हमारी जो लड़ाई है, हमारी लड़ाई सरकार से है, हमारी लड़ाई सिस्टम से है, रूल ऑफ लॉ, अरे किसी व्यक्ति का शासन नहीं है, रूल ऑफ लॉ है, इसलिए नियम के तहत हमने सारी प्रोसेस पूरा किया। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, रेलवे को लेटर दिए, प्रूफ दिए, सब जगह जाके हमने एक एक आदमी को दिए, और अभी भी शासन नहीं है, रूल ऑफ लॉ है, इसलिए नियम के तहत हमने सारी प्रोसेस पूरा किया। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, रेलवे को लेटर दिए, प्रूफ दिए, सब जगह जाके हमने एक एक आदमी को दिए, और अभी भी आंदोलन कर रहे हैं, हर जगह हमने परमिशन लिया। कल में हम लोग पुलिस के कमिश्नर के पास थे, सबके पास ईच एंड एवरी नियम को फॉलो किया है। इसके बाद भी इट्स ए वेरी दुख की बात है कि इस मामले पे सरकार का कोई एक्शन नहीं हुआ। कितने लोग शामिल हो रहे हैं आप लोग कल? क्योंकि ये समाज का बहुत बड़ा आंदोलन है, इसलिए कोई भी एस्टिमेट लगाना ठीक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये समाज की भावना से जुड़ा है। हर जितने भी फोन आ रहे हैं, एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, जहाँ पे देवासी समाज है उसको दुख है, दूसरे समाज हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, देवासी लोग सत्य के रास्ते पे हैं, इट्स अ ट्रूथ, सत्य के रास्ते पे हैं, इसलिए सारे समाज हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। मीडिया का धन्यवाद देता हूँ कि जब हमारे रायका समाज के ये अस्तित्व का मामला आया, हमारी धरोहर का मामला आया, तो आप मीडिया वालों ने उसे कवरेज किया और संबंधित मंत्रियों तक और सरकार तक ये बात पहुँचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारा समाज राजस्थान के हर लोक देवता के साथ
जुड़ा, उनके साथ तन मन धन से साथ दिया और प्राणों की आहुतियाँ दी। जैसे गोलमंड में बाबू जी हो, रामदेव जी, रुणुजा में रामदेव जी हो, तेजा जी हो, जितने भी राजस्थान के लोक देवता है सबके साथ रबारी खड़ा था और रायका ने हमेशा अपना बलिदान दिया है। और ये भी एक बलिदान था रायका नाम, ये चेंज जो हुआ है वो क्यों हुआ है, क्या कारण है उसकी हमें जानकारी नहीं है, लेकिन ये हमारा इतिहास और हमारी संस्कृति और हमारे मान सम्मान का नाम है, क्योंकि रायका एक जाति है, इन्होंने राई का बाग बनाया है, जो राई यानी एक सरसों होता है, तो ये अपने सरसों के कभी बाग नहीं हुए, ये लोग अभी बाग लगा रहे हैं, सरसों का कभी बाग नहीं हुआ है, सरसों के खेत होते हैं, जैसे चने के खेत है, ये खेती है, और ये राई का बाग है, तो ये हमारी जाति के नाम से है, ये सरकार को भी मालूम है, इनकी राजबयों में भी है, जोधपुर की पुरानी पड़ियारों की राजबई है उसमें भी राई का नाम लिखा हुआ है, हमारे जाति से लिखा हुआ है, और इन राठौड़ों की राजबई है उसमें भी हमारा समाज का नाम लिखा हुआ है राई का, जबकि ये जो हमारे खेत में तिलन होता है एक, उस राई के नाम से बना रहे हैं, तो राई का बाग नहीं होता है, राई का तो खेत होता है सब। ये 80 से 90% भाजपा का वोटर है, आंदोलन करने का कोई शौक नहीं है, यहाँ आपके बीच में आए हैं। मैं कहता हूँ जो रेलवे से हुई है तो रेलवे में कोई प्रिंट मिस्टेक हुआ